हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर महेश जगताप एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक सेम्बा। मैं आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जो उसको ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मैं जो इन्फॉर्मेशन सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचाना चाहता हूँ, उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, उसका फ़ायदा सारे स्टूडेंट्स को हो, इसलिए मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है उस वक्त एक मेजर प्रॉब्लम जो फेस करते हैं स्टूडेंट्स, वो होता है कैमरा और वेबकैम एरर। उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। मैंने एक वीडियो मैंने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको मैं इस वीडियो में प्ले करूँगा और आपका जो प्रॉब्लम आता है मोबाइल में एग्जाम देते वक्त उसका सॉल्यूशन भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो कोई भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स देने वाले हैं या फिर दे रहे हैं उन सबको इस चीज़ का फायदा हो सके। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, अभी आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो अपनी यूनिवर्सिटी का, KVCNM जलगांव। तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसमें से जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है कैमरा का एरर आना। तो मैं अभी आपको वो एरर क्यों आता है वो बताने जा रहा हूँ, और उसके बाद उसका क्या सोल्यूशन है, आपको क्या सेटिंग्स करनी है वो मैं अभी बताऊंगा। आप जब एग्जाम देते हो तो आप अपने यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ओपन करते हैं। वेबसाइट ओपन करने के बाद जो एग्जामिनेशन लिंक है यहाँ पे आपको क्विक लिंक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते हो। आप अपना PRN नंबर एंटर करते हो, और PRN नंबर एंटर करने के बाद आपका पासवर्ड जो है वो एंटर करते हो। तो आपको लॉग इन जब करते हो तो कुछ एरर आ सकता है, तो देखिए क्यों क्यों आता है। पासवर्ड एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करते हो तो आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है वो ही यूज करना है, जो DDMMYY है उसी में। मतलब क्या, आपके डेट के 2 डिजिट्स, मंथ के 2 डिजिट्स और ईयर के जो लास्ट 2 डिजिट्स है उनको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट एक्टिव टेस्ट में जाइए, फैकल्टी में आप मॉक एग्जाम दीजिए। मॉक एग्जाम में जो आपका क्लास है वो सिलेक्ट कीजिए, और फिर लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे लिखेगा कि जो वेबसाइट है वो कैमरे का परमिशन पूछता है, तो आपको यहाँ पे अलाउ पे ही क्लिक करना है। और अगर आपने गलती से ब्लॉक पे क्लिक कर दिया या फिर तो उसको परमिशन एक्सेस नहीं दिया तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। देख सकते हो कि यहाँ पे क्लिक नहीं हो पा रहा है, पर ठीक है। तो देखिए आपको वेबकैम का जो एक्सेस है वो डिसमिस्ड है या फिर अलाउ नहीं किया गया है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है, वो आपने जो परमिशन है उसको अलाउ नहीं किया इस वजह से आता है। तो अभी आप देख सकते हो नॉट एक्सेस परमिशन इज डिनाइड। तो आपको सिंपली अपने के क्रोम की सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे जो 3 डॉट्स है वहां पे क्लिक कीजिए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको साइट सेटिंग्स में जाना है, और फिर कैमरे पे ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे कैमरे के ऊपर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लॉक्ड, कितने किस एप्लीकेशन को आपने कैमरे का एक्सेस नहीं दिया है उसका आपको नाम दिखाई देगा यहाँ पे। अगर आपकी लिस्ट में ये नाम है ब्लॉक में, आपको यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है उसके ऊपर, और क्लियर एंड रिसेट जो है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर आपका जो वेबकैम का इश्यू है यहाँ से आप परमिशन जो आपने ब्लॉक किया था वो हट जाएगा, और फिर से आपको बैक आना है, और फिर से एक बार आपको लॉगिन डिटेल जो आपके वो इनपुट करने हैं, और इस बार याद से उसको अलाउ करना है। तो इस तरीके से आप जो लॉगिन का जो कैमरे का प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिखा था आप कैसे आप उसको सॉल्व किया गया है। ये एक आपको ऑप्शन देखना है, ये एक सेटिंग है गूगल क्रोम का। जो दूसरा सेटिंग है वो मोबाइल का है, मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूँ। अभी लॉगिन कैसे होते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने लॉगिन पे क्लिक किया, फिर से आपको दिखाई देगा कि आपको ये परमिशन पूछ रहा है, तो आपको याद से अलाउ पे ही क्लिक करना है। तो
तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं। अब अलाउ पे क्लिक कीजिए, आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेटिंग है, आप अपने मोबाइल में कर सकते हो। मैं अभी आपको मोबाइल के अंदर क्या सेटिंग्स करना है वो भी बताता हूँ। आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको एप्स में जाना है। एप्स में जाने के बाद परमिशंस में क्लिक कीजिए, एक और बार परमिशंस पे क्लिक कीजिए, आपका परमिशन मैनेजर ओपन हो जाएगा। आपको कैमरा पे क्लिक करना है और कैमरा में भी जो गूगल क्रोम है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको अलाउ करना है उसको। तो ये दो सेटिंग अगर आप करते हो तो आपके एग्जाम में वेबकैम एरर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से जो मोबाइल वेबकैम का प्रॉब्लम आता है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे अहेड।